हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये स्वेटर मैंने आपको बताया है, इसका स्लीव भी बताया है। तो ये दोनों स्लीव मैंने तैयार कर लिए हैं और ये हमारा फ्रंट एंड बैक का बॉडी का पार्ट। आज मैं आपको उसकी सिलाई करके बताने वाली हूँ कि स्वेटर की सिलाई हम किस तरीके से करते हैं। तो ये देखिए, ये जो दोनों स्लीव है, सबसे पहले हम स्लीव जोड़ेंगे। ये जो हमारे स्लीव का पोर्शन है, आप चाहें तो ये वाला जो हमने फंदा उतारा है इसको काउंट करके इसका बीच का हिस्सा निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आपका स्वेटर प्लेन है तो आप इन दोनों को जहां से हमने ये घटाना स्टार्ट किया है ये और जहां हमारा ये लास्ट हुआ, इन दोनों को इस तरह से मिला के ऐसे आप बिल्कुल बराबर से हाफ करिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हम पिन लगा लेंगे ऐसे, देखिए। अब इसका ये जो उल्टा हिस्सा है इस तरफ, देखिए ये जो सीधा है इधर सीधा है, तो ये जहां हमने शोल्डर जोड़ा है वहां पे इस तरह से पिन से इसको आप टक कर लीजिए। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये हाफ पोर्शन है, ये देखिए ऐसे, और ये जो हमने घटाया है ये। अब देखिए स्लीव ऐसे अभी छोटा है इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से देखने में लगेगा कि स्लीव छोटा है, लेकिन जब हम सिलेंगे इसको तो हमारा ये अच्छे से बैठ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो फंदे हमने उतारे हैं ये थोड़े ढीले ढीले हैं और ये फंदे जो हमने उतारे हैं थोड़े से टाइट हैं। तो अब हम इसको मिला के सिलाई करेंगे। देखिए ये मैंने सुई में लंबा सा ऊन ये डाल लिया है, बहुत छोटा भी नहीं है। देखिए इस तरह से लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच में, लगभग 1 मीटर है, उससे बड़ा नहीं, क्योंकि अभी हमको ये आस्तीन का पोर्शन जोड़ना है। तो अब देखिए ये जो दोनों सीधा पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ ये अंदर की तरफ, और ये हमने जहां से घटाया है, ये देखिए बॉडी में जहां से हमने ये घटाया है यहाँ पे हम इस तरह से इसको फंसाएंगे। फिर इसमें स्लीव में हमने जहां से घटाया वहां पे ये जो हमने घटाया है ये चोटी जैसी जो बन जाती है इसी को हम ये लेंगे और इन दोनों को साथ में लेके उनको ऐसे खींच लीजिए, और जब ये थोड़ा सिरा रह जाए तो पहले हम इसको ऐसे बांध देंगे, इन दोनों को पकड़ के बांध देंगे इस तरह से, डबल बांध देंगे। आप आराम से ये देखिए, ये जो दोनों का ये पार्ट है, अब आप देखिएगा तो ये इधर भी जो हमने घटाया है ये चोटी जैसा बना है, इधर भी ये चोटी जैसा बना है। तो जो सबसे पहले हमने 3 फंदे घटाए थे उसके पहले फंदे में हमने ये नॉट लगा दिया। अब ये देखिए दूसरा फंदा, ये ऐसे, ये देखिए ये जो चोटी है इस चोटी में हम अच्छे से इस तरह से ये फंसा लेंगे। फिर इधर वाली चोटी जो है ये देखिए, इसमें भी हम ये सेकंड वाला जो है, देखिए ये जो सेकंड वाला, इसमें इस तरह से करके और इसको हम खींच लेंगे ऐसे। फिर ये तीसरा वाला, ये देखिए ये तीसरा, और यहाँ पे भी ये तीसरा, इसको फंसा देंगे। और ये जो ऊन निकला हुआ है इसको भी हम इसी के बीच में इस तरह से फंसा देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने 2 फंदे घटाए हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे और यहाँ पे ऐसे, जो दोनों चोटियां हैं दोनों तरफ से, बस उन्हीं को पकड़ के हम ये सिलते जाएंगे। ये देखिए जो 2 फंदा हमने घटाया है वहां से ये इस तरह से, और ये इसके बाद जो 1 फंदा है घटा हुआ, आप देख लीजिए आराम से आपको दिखेगा, जो हमने घटाया है यहां से इसको, और इधर भी जो 1 फंदा हमने घटाया है यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे। सबसे पहले हम ये इतनी सिलाई करेंगे। अब यहां से देखिए, यहां से अब ये ऊपर से ये चोटियां आनी शुरू हो गई हैं इसकी, ये देखिए ये, और इस तरफ हम यहाँ पे ऐसे जहां से हमने लास्ट किया है दोनों तरफ से ऐसे चोटी लेते जाएंगे, और इस तरफ हम 1-2 चोटी का गैप करेंगे, क्योंकि इधर फंदा ज्यादा है उधर की ये लंबाई ज्यादा है, तो हम इसको बराबर करते हुए ये देखिए 1-1, 2-2 करके छोड़ते जाएंगे, और इसी तरीके से टोटल लेके यहां से लास्ट तक की सिलाई हम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा ये सिलाई जो हमारा है
अगर आपको इस तरह से दिक्कत लगे तो आप इसको आराम से ऐसे देखिए इस तरह से फैला लीजिए। ये सेंटर पार्ट हमारा यहाँ पे ऐसे, अब इसको यहां से ये जो हमारी ये चोटी है और प्लस यहां से ऐसे हम फंसाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए जैसे आपको आसानी होगी, बस हमें ये चोटियां ही उठानी है, ज्यादा इसमें नहीं हमको ऊन दूर तक ले जाना है, क्योंकि फिर ये सामने से जब हम इसको देखेंगे तो इसकी सिलाई अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए इस ऊन को भी बहुत ज्यादा खींचना नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल बस बराबर में आ जाए, टाइट ना रहे लूज ना रहे। बस ये देखिए ये खींचने के बाद आराम से ये फिक्स हो गया। अब इसको छोड़ देंगे, इसके आगे सिलाई करेंगे इस तरह से। इसी तरीके से हम पूरा पहले एक तरफ से हाफ शोल्डर, ये देखिए ये देखिए आप बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे आराम से पकड़ते हुए देखिए। इसको हम ये देखिए ये चोटियां, ये वाली बड़ी है ये वाली कम है, तो आप इसी तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए। ऊन सारे हम इसी में फंसाते जाएंगे। अब देखिए ये आ गया हमारा पास में ये, अब इसको निकाल दीजिए पिन को। और इसके बाद ये देखिए इधर की लंबाई देखने के लिए ये जहां हमारा एक फंदा घटा है और यहाँ का एक फंदा घटा है, इन दोनों को मिला के यहाँ हम ऐसे पिन लगा देंगे ताकि इस तरफ के लंबाई की हमको ये जो दूरी है वो आसानी से समझ में आए। इसको ऐसे आप फैला लीजिए और ऐसे, और इसको भी हम देखिए यहाँ पे हम सेंटर बराबर रखेंगे यहां से, ये देखिए ऐसे। जो फंदे उतारे हैं चोटी जैसे वैसे ही, और ये देखिए इधर से इस तरह से हमारी ये सिलाई आएगी। ये देखिए इसी तरह से हम इसको सिल लेंगे। बस आपको ये चोटियां चोटियां ही दोनों तरफ की लेनी है। देखिए ये जो इसको हमने पीना है और इधर जो हमने उतारा है दोनों, ये पहला फंदा जो हमने पल्ले में उतारा है और ये जो स्लीव के फंदे, तो ये जो बॉडी का फंदा है इसको जब हम उतारते हैं तो ये थोड़ा लूज रहता है, और स्लीव का फंदा जो हम ये बंद करते हैं ये थोड़ा सा टाइट रहता है। तो इसको आराम से ऐसे आप खींच लीजिए, ये देखिए, और ये एक एक हमारा ये इस तरह से आता जाएगा। क्योंकि ये बॉडी का पार्ट जो है ये थोड़ा सा लूज रहता है, बढ़ा रहता है, इसलिए इसको हम ऐसे बराबर करते जाते हैं। देखिए ये इसकी ये चोटी बड़ी है, इसकी ये छोटी है, तो इस तरह से आप इसको आराम से फंसाते हुए सिल लीजिए। देखिए ये लंबाई हमारी अच्छे से आ गई, ये देखिए। अब फिर पिन निकाल दीजिए। अब इस साइड का भी ये देखिए, यहाँ जो हमने लास्ट का ये पहला फंदा घटाया है एक फंदा, और इधर का भी जो एक फंदा है पहले हम इसको इस तरह से सिलेंगे, इसके बाद
ये जो दो फंदे हमने घटाए हैं, तीन दो एक के, इधर के और इस तरफ के, देखिए इसको लेके सिल लेंगे। से और फिर ये जो तीन फंदे हमने घटाए हैं और इस साइड के भी, और ये भी, देखिए अब हमारा ये स्लीव का पोर्शन जो है ये बॉडी से टक हो गया। अब इसको हम ऐसे इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये पूरा अच्छे से देखिए फिक्स हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ की भी स्लीव सिल लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा चारों पार्ट जो है एक संग हो गया है। अब यहां से हम इसको इस तरह से करेंगे और ये देखिए जो ये हमारे स्लीव के फंदे या बॉडी के ये जो बॉर्डर के फंदे हैं ये सब, इसी से अब हम बाकी की सिलाई करेंगे। और जिस तरफ हमारा ऊन कम हो जाएगा उसको हम अलग से दूसरा ऊन जोड़ लेंगे। इसको थोड़ी दूर से कट कर लेंगे इस तरह से, और जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको रखिए। अगर आपका ऊन बाय चांस सिलाई में कम पड़ता है तो इसको भी आप जोड़ सकती हैं। ये देखिए एक साइड का ये जो फंदा है, सॉरी ऊन है, इसको हम सुई में डाल लेंगे और इन दोनों को इस तरह से जोड़ के जो हमने पहले फंदे को उतारा है उसी को जोड़ते हुए हम सिलाई करते चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से शुरुआत में जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो दोनों तरफ के ऊन है इनको हम फंसाते जाएंगे और ये जो हमारा केबल जैसा बना है, चोटी जैसा जो हमने फंदा उतारा है, इसी को लेके हम सिलाई इस तरह से करते जाएंगे। इस तरह से सिलने से आपको ये स्वेटर जो हमारा यहाँ पे सिलाई है, बखिया नहीं करिए, इसी तरह से सिलिए तो आपका ये स्वेटर बहुत अच्छा आएगा और यहाँ पे मोटा भी नहीं होगा सिलाई में, क्योंकि जब हम बखिया करते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इस तरह से मैं अब सिलाई करती हूँ। या आपको कोई और तरीका दूसरा आता है आप अपने तरीके से भी सिलाई कर सकती हैं जो आपको इजी लगे। ऐसे पकड़ते हुए देखिए टोटल हम चारों तरफ की सिलाई कर लेंगे बॉर्डर तक। सबसे पहले इस तरह से देखिए पहले ये, अब इसके ऊपर आप चाहे तो इसी से पूरी सिलाई कर डालें या आप चाहे तो व्हाइट वाले को व्हाइट से सिलिए, तो दोनों ही सिलाई के बाद दिखता नहीं है। तो ये व्हाइट वाला पार्ट जो यहां से आप व्हाइट ऊन भी लगा सकती हैं या आप इसी तरीके से पूरा इस तरह से दोनों को मिलाते जाइए और सिलते जाइए। इस सिलाई को भी लूज ही रखना है, बहुत टाइट नहीं करना है। ये वाला ऊन हमारा जहां तक जाएगा वहां करने के बाद फिर इस तरफ का ऊन लेके इधर से हम लाके बीच में नॉट लगाएंगे। अगर ये ऊन हमारा इस तरफ का बड़ा है और पूरा यहां तक भी जाता है तो आप यहां तक इसको खत्म कर दीजिए। इसके बाद आप ये नीचे से स्टार्ट करके यहाँ पे लाके नॉट लगा दीजिए। बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ पे आप इसको मत कट करिएगा, नहीं तो ये फिर इसकी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है देखिए, अब इसको हम मिलाएंगे। अगर आपका ऊन इतना बड़ा नहीं है कि पूरी सिलाई हो सकती है, फिर भी आप इस वाले दोनों ऊन से बॉर्डर बॉर्डर तक सिलिए और बीच का ऊन जो है आप दूसरा लगा सकती हैं। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। टोटल देखिए बिल्कुल नॉर्मल, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, बस इसी ऊन को लेते हुए दोनों तरफ का ये पकड़ते हुए इस तरह से इसको हमको सिलते चले जाना है। इस तरह से इधर का और इसी तरह से इधर का जो बॉर्डर में हम फंदे डालते हैं इसमें काफी ऊन बच जाता है, तो इसी से हम टोटल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब इस साइड से ये मैंने इसकी सिलाई पूरी कर ली है इस तरह से। देखिए ये नीचे घेर का है कमर से और
इसको भी हम ये चोटी पकड़ते हुए दोनों तरफ से, मेरा ये जो ऊन है इतने में ही मेरी इसकी पूरी सिलाई हो गई है, इसलिए मैंने इसमें कोई दूसरा ऊन नहीं जोड़ा है। लेकिन अगर आपका ये लंबाई पूरा नहीं होता है तो आप यहाँ पे दूसरा ऊन भी जोड़ सकती हैं। और अब इसको ऐसे डबल नॉट हम लगा देंगे, ये देखिए, और फिर ये दोनों को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक साइड का ये बॉडी और ये स्लीव की सिलाई हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे तरफ का भी सिल लेंगे, ये देखिए दोनों तरफ का। अब इस तरफ का भी ये ऊन इसको कट कर देंगे और ये इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इसकी सिलाई एकदम इस तरह से प्रॉपर आती है। और ये देखिए, ये जो मैंने कहा कि मैं 8 साल तक के बच्चे तक का यही डालती हूँ, क्योंकि बच्चों का हाथ और कलाई बहुत चौड़ा नहीं होता है, सॉफ्ट ही होता है, तो ये आराम से, और छोटे बच्चों को और पहनने में उलझन ना हो क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो इसलिए मैं 40 फंदे ही रखती हूँ। या आप चाहें तो और बड़े बच्चे जो है 8 से 10 साल या 6 साल के बाद आप चाहें तो इसमें 45 फंदे भी डाल सकती हैं। ये मैंने 40 फंदे का ये बॉर्डर बनाया है और ये आराम से देखिए बहुत टाइट भी नहीं है, बच्चे के हाथ में आराम से ये चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए मेरा ये स्वेटर तैयार हो गया है। मैं इसकी आपको बनने के बाद तैयार लंबाई दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो तैयार हो गया है, यहाँ ये जो हमने शोल्डर जोड़ा है, ये देखिए इसको यहां से अगर हम इसकी लंबाई लें तो टोटल लंबाई इसकी देखिए 15 इंच है तैयार बॉडी की। और स्लीव जो हमने लंबी रखी थी इसीलिए कि बॉडी से थोड़ी जो लंबी स्लीव रहती है, तो ये स्लीव देखिए जहां से ये हमने सिला है यहां से 11 इंच है। तो देखिए ये स्वेटर मेरा बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये इसका ये जो भी प्रोसेस है आपको जरूर पसंद आएगा, आपको ये डिजाइन भी जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।